नुरेश इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नुरेश जी नमस्ते, बहुत शुक्रिया ईटी नाउ स्वदेश को आप समय दे रहे हैं। एक बार जरा आप अपना इंडेक्स पे व्यू और स्टॉक्स भी बता दीजिए सर। सो इंडेक्स पे व्यू है 17,700-17,800 का जो गैप है वो एक सपोर्ट की तरह ऐड करना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी पे 37,200, 37,600 ये जो बैंड है वो सपोर्ट की तरह ऐड करना चाहिए, और कुछ दिनों के लिए हम साइडवेज ये बैंड में रह जाए तो बेटर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, सबसे पहले बाय है यूनाइटेड स्पिरिट्स। स्टॉक ने एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट दिया है स्विंग हाई 935 का, जो कल उसने क्रॉस करने की कोशिश की है, और ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी बहुत अच्छा है इसका। स्टॉक का टारगेट प्राइस होगा 1050, स्टॉप लॉस 905। सेकेंड है बायोन आईटीसी लिमिटेड। ये स्टॉक ने वन वे मूव दिया 210 से 250-55 तक, फिर कंसोलिडेट किया कुछ दिन के लिए, फ्लैग पैटर्न बना है और एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है 258 के ऊपर, और एक लास्ट बैरियर बचा है 265 पे, जो अक्टूबर मंथ का हाई था और लास्ट 6 महीने का हाई है। उसके ऊपर नेक्स्ट टारगेट आ जाता है 300 रुपये का, स्टॉप लॉस 255। प्रीएम्प्ट कर रहे हैं 265 के ब्रेकआउट को। और लास्ट है बाय ऑन डीसीबी बैंक। ये एक स्टॉक है जो अभी भी जून 2020 के प्राइसेस पे अवेलेबल है। स्टॉक 120 का पीक बनाकर जनवरी 2021 में गिर के 70 तक आ गया था। शॉर्ट टर्म में एक ट्रिपल बॉटम बना है 70 के पास, और जो इंटरिम हाईज है जो 75 के थे वो कल क्रॉस हुआ है। सो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। इनिशियल टारगेट प्राइस होगा 90 और लॉन्ग टर्म 120, स्टॉप लॉस 70। डीसीबी बैंक हो गया, आईटीसी हो गया, ये कुछ एक इस तरह के शेयर हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो गए, तीन शेयर ऐसे अहम शेयर हैं जो कि नरेश की तरफ से आपको मिले हैं।